नरवाना क्षेत्र के हरनामपुरा में आज से 1.5 साल पहले शराब ठेके पर हुई करिंदे की हत्या की गुत्थी को जिंद CIA ने साइबर क्राइम की टीम के साथ मिलकर सुलझा लिया है। ये हत्या एक दूसरे के इलाके में शराब बेचने की रंजिश को लेकर की गई थी, जिसमें शामिल कई आरोपियों पर पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने हत्या के इस मामले में कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया गया है, जबकि 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर उनका रिमांड लिया गया है ताकि और भी खुलासे किए जा सके। ये करीब 1.5 साल पहले हरनामपुरा ठेका पर लक्ष्मी नारायण नाम का करिंदा रहता था, उसकी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी थी। तो इसको 1.5 साल हो गया था। इस केस को हमने CIA की टीम ने और साइबर क्राइम टीम ने मिलकर इसकी गुत्थी सुलझाई है, जिसमें राजीव उर्फ गांधी और अजय उर्फ बिहारी इनको गिरफ्तार करके 2 दिन का रिमांड लेके जेल भेज दिया है। और 3 बंदे और हैं, गुलाब दूधिया और मनीष बच्ची है गुरसेवक है, इनको भी गिरफ्तार कर लिया है। इनके 1 दिन के रिमांड पर ले रखे हैं। टोटल 5 गिरफ्तारी होगी। टोटल 5 की गिरफ्तारी होगी। करीब 1.5 साल पहले की बात है। हत्या की क्या वजह थी? हत्या, ये शराब का कारोबार करता था राजीव गांधी, ये शराब का कारोबार करता था। इसकी अफसरी में एक दूसरे के इलाके में दारू डालने से इनकी रंजिश थी, इस रंजिश के कारण इसने पीट पीट के हत्या कर दी। इसके परिवार में कौन है जिनके हत्या हुई? इसका लड़का है, बजरंग परिवार में इसका लड़का है, उस पे उसने मुकदमा दर्ज करवाया था। और ये जो फ्रेंड है बजरंग, कोई पहले भी बता दिया रिपोर्ट है? हाँ हैं, 2-2, 3-3 मुकदमे दर्ज हैं, 1-2 के खिलाफ। वो जांच करेंगे, निकलवा लेंगे। तो ये आपसी रंजिश में इसकी हत्या की है। दरअसल 1.5 साल पहले ये मर्डर मिस्ट्री हुई थी, जिसमें शराब ठेके पर काम करने वाले एक करिंदे को डंडों से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया था। घटना के बाद इस वारदात को सुलझाना पुलिस के लिए चुनौती बन गया था, लेकिन CIA पुलिस और साइबर क्राइम टीम ने मिलकर इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझा ली है। जिंद से अमनदीप पिलानिया, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।